हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी का रिव्यू, एंड दो साड़ी का रिव्यू शेयर करूंगी। एंड थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में साउंड आ सकता है फैन का, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा फैन ऑन किया है क्योंकि स्वेटिंग बहुत हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की बट गर्मी इतनी है कि मुझे वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एंड मुझे आज इस वीडियो को करना ही था, मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा सा इग्नोर करने रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो एक साड़ी की रिव्यू होने वाली है, एंड दोनों जो साड़ियाँ हैं वो सेम आपको क्वालिटी की मिलेंगी, बट उसका जो कलर है वो डिफरेंट आपको मिलेगा। एंड कुछ मंथ पहले मैंने सेम साड़ी का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ये जो साड़ी है गाइज, ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के हैं, एंड फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया है। सो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन अदर उसको प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नोटिफाइड होता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो साड़ी मैं शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके का आपको मिलेगा, इस पैकिंग में आया था। इसका जो फ्लिपकार्ट का जो पैकिंग आता है उसको मैंने अनबॉक्स कर दिया है पहले ही, एंड उसको मैंने फेंक दिया था। यू नो आपको इस पता है कि इस टाइम बहुत ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी पैकिंग मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। एंड इस तरीके का आपको कलर मिलेगा, यहाँ पे उसके जो भी डिटेल्स है वो मेंशन किए हुए हैं, तो एक एक करके मैं सारी डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। एंड ये जो ब्रांड नेम है ये ओम ब्रांड, एंड फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे शायद आप लोगों को मिल जाएगा ओम ब्रांड। एंड इसकी जो टाइटल है यानी कि ये जो साड़ी है वो एक आर्ट सिल्क साड़ी है, बॉलीवुड आर्ट सिल्क साड़ी। एंड यहाँ पे आपको लेंथ मिलता है 5.2 मीटर का, एंड डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर किया है। एंड ब्लाउज का लेंथ आपको 0.8 मीटर, 0.8 मीटर का जो ब्लाउज साइज होता है, आप ज्यादा वेयर करते हो ज्यादा साइज की जो ब्लाउज आती है उसमें भी काफी अच्छे तरीके से ये बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी साड़ियां का मैंने रिव्यू शेयर किया है, एंड 0.8 मीटर का जो ब्लाउज पीस होता है वो बहुत ही अच्छे से आपके लेंथ के लिए सुटेबल होगा। यहाँ पे कलर जो है इसको आप बीन्स कलर बोल सकते हो। तो यही सारी डिटेल्स है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड ओपन करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे किस तरीके की क्वालिटी है। सो कलर आप देख सकते हो, आर्ट सिल्क जो साड़ियां आती हैं वो पहनने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसा बिल्कुल हैवी फील नहीं होता है, एंड किसी भी फंक्शन में आप इसको वियर कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है उसमें भी आप वियर कर सकते हो, ऑफिस वर्क में करते हो या फिर कॉलेज गोइंग हो, जिसमें आप चाहते हो फेयरवेल पार्टी में जाना चाहते हो आप इसको वियर कर सकते हो, क्योंकि ये लेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड किसी भी साइज का है। जैसे ज़्यादा हाइट की लड़कियाँ हैं, कम हाइट की लड़कियाँ हैं, किसी भी एज की हो आप पे अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो फर्स्ट लो आप लुकआउट देख लो, इस तरीके का आपको कलर मिलेगा। एंड यहाँ पे फ्लावर प्रिंट है पूरी साड़ी पे है। पहले हम इसको ओपन करते हैं, मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया, आप देख सकते हो इस तरीके से ये एक धागे से स्टिच किया हुआ है ना, उसको ओपन करेंगे राइट। एंड लुक एट दिस प्रिंट, आप देख सकते हो काफी अच्छे से प्रिंट किया होता है जो आर्ट सिल्क साड़ियाँ आती हैं। एंड फर्स्ट लुकआउट देखो आप गाइस, इस तरीके का एक फ्लावर ट्री फ्लावर उस पर आपको पैरोट का यहाँ पे मार्क किया हुआ है। साड़ी डिजाइन पूरा ओपन करके दिखाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पल्लू की, पल्लू आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड वर्क किया हुआ है, एंड जो साड़ी में आते हैं थ्रेड वाले डिजाइन वो कभी काफी ज्यादा अभी आप देखते हो कि बहुत सारी साड़ियों पे दिया होता है, तो इस तरीके का आपको थ्रेड वर्क मिलेगा साइड में। एंड जब आप इसके प्लेट्स बनाते हो तो नीचे आता है, काफी खूबसूरत सा लगता है। डिजाइन आप देख लो, रेड है, येलो कलर है, ब्लैक है एंड क्रीम में कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। एंड लेंथ नीचे तक आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन दिया हुआ है इसके पल्लू का। एंड ये जो साड़ी गाइस बिलीव मी बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, तो आप इस समर में भी काफी अच्छे से वियर कर सकते हो। ओके, तो इसका जो लुकआउट है इस तरीके का आपको पल्लू मिलेगा। एंड उसके बाद हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाली डिजाइन आपको मिलती जाएगी। ये जो डिजाइन है ये पूरी साड़ी पे आपको मिलेगा, ऊपर के बॉर्डर पे नीचे भी आएगा, नीचे भी जो प्लेयर्स आते हैं वहां पे भी आपको सेम डिजाइन मिलेगा, एंड ऊपर जो डिजाइन आता है इस तरीके का आपको मिलता जाएगा, एंड सेम पूरा साड़ी पे आपको सेम डिजाइन मिलेंगी। क्वालिटी वाइज सुपर जो आती है सिल्क, आर्ट सिल्क उस तरीके का आपको मिलेगा, देख सकते हो आप काफी नजदीक से मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने परचेज किया था उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, एंड सेम साड़ी थी, बस इसका जो डिजाइन है वो चेंज था, कलर भी यही था। एंड उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, बहुत पहले जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू इसका शेयर किया था।
तो उस टाइम ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था एंड न्यू चैनल था, तो थोड़ा सा उस तरीके से बोलने भी नहीं आता था सारी चीजें। ओके, तो नाउ ये जो आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप नो आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, या फिर किसी भी एज की हो, आप पे अच्छा ही लगेगा क्योंकि इस तरीके का जो साड़ी होता है वो किसी भी एज के वुमेन या लड़कियां वेयर कर सकती हैं। इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके का है एंड पूरे साड़ी पे आपको ऐसे ऐसे फ्लावर प्रिंट मिलेंगे जो कि छोटे छोटे डॉट्स टाइप आते हैं, एंड उस फ्लावर प्रिंट का भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफी पसंद आ रहा है। ओके, तो पूरी साड़ी आपको एक तरीके से दिखा देते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, जो भी डिजाइन है इसी तरीके का आपको मिलेगा। लेंथ आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, 5.2 मीटर का लेंथ है, तो लेंथ काफी अच्छा है। एंड बहुत सारी साड़ियां मैंने परचेज की है उसमें 5.5 मीटर का लेंथ होता है, बस ये थोड़ा सा उससे छोटा होगा आई थिंक, क्योंकि इसमें 5.2 मीटर है। बट वो साड़ी जो मैंने परचेज किया था एंड वो जो लेंथ में आता है, मेरी मम्मी के लिए मैंने लिया था एंड काफी अच्छे से उनको हो गया, तो काफी इजिली आप लोगों को हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको मिलता है ब्लाउज पीस, यहाँ से आपको कटिंग करनी होगी। इस तरीके का आपको ब्लाउज मिलता है जो कि है 0.8 मीटर का आपको ब्लाउज पीस मिलता है। 0.8 मीटर में आप किसी भी लेंथ के वियर करते हो तो इजीली बना पाओगे, आप जाके टेलर से बात कर सकते हो या खुद स्टिच करते हो तो खुद से बना सकते हो। ओके, पूरी साड़ी देख ली, इसी तरीके का आपको मिलेगा एंड मैं कोशिश करूंगी इसका ट्राई ऑन भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो इसको आप जब वियर करते हो, मैं इसका लुकआउट आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा लगेगा आप पे, राइट। ये पल्लू की साइड से अगर आप इसको खुद के ऊपर, अब आप देख सकते हो मेरी एज की जो गर्ल होंगी, जो भी लड़कियां होंगी, उनके लिए भी ये काफी अच्छा लगेगा। एंड लुक एट दिस, कितना खूबसूरत सा एक लुक आएगा। आप इसको अच्छे से बियर कर, जो ज्यादा एज की जो भी वुमेन है वो भी इसको बियर कर सकती है क्योंकि ऐसा कोई एज कॉम्बिनेशन करके इसमें कलर नहीं होता है। आजकल सारे कलर के सारी एज की लड़कियां यूज कर सकती है, राइट। तो अच्छे से आप लुकआउट एक बार फिर से देख लो। तो ये थी मेरी फर्स्ट साड़ी जो मैंने परचेज की है, रेंज मुझे अच्छे से याद नहीं है तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी एंड साइड में इसका सारा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जो भी इसके रेंज वगैरह है, जहां से मैंने परचेज किया है, ये फ्लिपकार्ट से लिया था, जो भी लिंक है सारे प्रोवाइड हो जाएगा। करेंगे सेकंड जो साड़ी हमने परचेज की, इसका कलर है व्हाइट एंड इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलता है। ये भी सेम फ्लिपकार्ट की जो पैकिंग आती है उसमें आया था एंड इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया, दोनों साड़ी साथ में आई थी एंड इस तरीके का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो उसका डिजाइन आपने देखा, इसका डिजाइन भी ओपन करके दिखाते हैं, इसमें जो भी डिटेल्स है वो भी शेयर कर देते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है, यहाँ पे ये भी कलर इसका बीच ही कलर बोला हुआ है यहाँ पे एंड ब्लैक में है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्रोडक्ट डायमेंशन साड़ी लेंथ है ये 5.5 मीटर की, यानी कि वो जो साड़ी है वो 5.2 मीटर आपको मिलता है, ये साड़ी आपको मिलेगी 5.5 मीटर की, तो ये थोड़ी सी लंबी होगी। ब्लाउज पीस इसमें 0.8 मीटर का इसमें भी है, वो कस्टमर केयर के नंबर वगैरह होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन जो चीजें होती है लोगों को पता करना होता है, लेंथ एंड ब्लाउज पीस का लेंथ दोनों इसमें मेंशन किया हुआ है एंड इसका भी रेंज मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि ये 500 के नीचे का ही दोनों साड़ी है। तो आपको लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो गाइस, इसका जो फर्स्ट लुकआउट है आप देख सकते हो इस तरीके का आपको मिलेगा। क्वालिटी इतनी अच्छी, इतनी मतलब आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि इतना ज्यादा लाइट वेट आपको मिलेगा अगर आप इसको वियर करते हो, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं हो आप बहुत ज्यादा हेवी कोई भी साड़ी वियर की हो, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एंड काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप इसको समर में पहनते हो, तो समर के व्यू से काफी अच्छा है। सो डेफिनेटली एक बार जरूर चेकआउट करना, एंड रेंज भी ज्यादा नहीं है तो हर कंडीशन के लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो पहले हम पल्लू को दिखाएंगे, पल्लू से स्टार्ट करते हैं कैसा क्या है। वैसे ये जो साड़ी है अभी आप वेयर कर सकते हो बहुत सारे फंक्शंस के लिए, काफी ज्यादा फंक्शंस अभी आने वाले हैं, कोई भी एज की लड़कियां इसको वेयर कर सकती है, इसका कलर कॉम्बिनेशन। चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें का ये ब्लाउज पीस है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ब्लाउज पीस मिलेगा जिसमें आपको बॉर्डर मिलता है ब्लैक एंड यहाँ पे हल्का सा आपको क्रीमी कलर का बॉर्डर मिलेगा, नीचे व्हाइट है,
प्योर व्हाइट आपको कलर मिलेगा। यहाँ से कटिंग करनी होगी आपको, एंड इसका जो लेंथ है वो 0.8 मीटर है। राइट, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ आपको ये डिजाइन मिलती है जो आएगा यहाँ पे ब्लाउज के नीचे, जो साड़ी में आएगा। ब्लाउज की कटिंग यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ साड़ी के नीचे तक आएगा ये वाली डिजाइन। बाकी कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं है पूरी साड़ी में, इस साड़ी में आपको बीच में प्रिंट नहीं मिलेंगे। नीचे की साइड में बॉर्डर है जहाँ पे आपको एलिफेंट की डिजाइन मिलेगी, पूरी साड़ी पे ऐसी डिजाइन आपको मिलती है। तो ये नीचे की तरफ है, बीच की साड़ी में कोई भी डिजाइन आपको नहीं मिलेगी। वो जो साड़ी हमने शेयर किया था फर्स्ट, उसमें पूरे साड़ी में आपको डिजाइन मिलता है वो फ्लावर की, इसमें आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये भी काफी खूबसूरत लगेगा, एक लुकआउट आता है जब आप प्लेट्स वगैरह बनाते हो तो नीचे में ये डिजाइन आती है तो काफी अच्छा लगता है। पूरी साड़ी प्लेन होती है तो इस तरीके की साड़ी भी बहुत सारे लोग परचेज करना चाहते हैं। इसका भी लेंथ 5.5 मीटर है, तो ये थोड़ी सी लंबी साड़ी है एंड लेंथ में काफी बड़ी है। ऊपर में आप देख सकते हो, ऊपर में इस तरीके का बॉर्डर आपको मिलेगा एंड नीचे का डिजाइन मैंने दिखा दिया कैसा है। अब हम बात करेंगे इसके यहाँ पे, राइट, ये सारी डिजाइन है। तो ये है पूरी साड़ी, पल्लू आपको दिखा दिया मैंने, पल्लू किस तरीके की है। तो पल्लू में आपको जो मिलता है वो थोड़ा सा आपको एलिफेंट डिजाइन मिलेगा, उसमें फ्लावर की प्रिंटेड है, एक ट्री के टाइप का बनाया हुआ है। ये वाली डिजाइन आएगी आपको पल्लू में एंड यहाँ से यहाँ पे आपको मिलेगा लाइनिंग टाइप का कलर कॉम्बिनेशन है जो कि डिफरेंट कलर में है, ब्लैक, रेड, ऑरेंज एंड क्रीम का जो कलर आता है, क्रीमी कलर, वो मिलेगा आपको एंड एलिफेंट का यहाँ पे डिजाइन। तो ये आएगा आपके पल्लू में एंड कोशिश करूंगी इसका भी ट्राई ऑन आप लोगों के साथ शेयर करने का, बिकॉज रीजन ये है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। एंड ट्राई ऑन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो काफी अच्छे से पता भी चल जाएगा। अगर नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं आप लोगों को एक कैटलॉग दिखा दूंगी एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोडक्ट की दिखा रही हूँ, कैसी आपको लगेगा ये साड़ी किस तरीके से आप वेयर करते हो। तो ओके, तो आप अगर इसको वेयर करते हो तो एक लुकआउट इस तरीके का आपको मिलेगा एंड लुक एट दिस गाइस, मतलब ऐसा डिजाइन है दोनों साड़ी का जो आप इजिली वेयर कर सकते हो। किसी भी एज की लड़कियां हैं वो वेयर कर सकती है, चाहे आप बहुत ज्यादा एजेड होते हैं ना कि बहुत ज्यादा 50+ की जो औरतें होती हैं वो भी इस कलर कॉम्बिनेशन को इजिली वेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे एज की गर्ल्स हैं जो भी हैं वो भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पे भी काफी खूबसूरत लग रहा है। एंड जब इसका पूरा ट्राई ऑन मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ, जब इसको अच्छे से आप वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड प्लेट्स वगैरह बनाने में काफी इजी है क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी की है एंड एक सिल्क जो खादी सिल्क आप समझते हो उस तरीके का आपको ये पैटर्न मिलेगा। साड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी एंड इसका रेंज भी एंड इसका जो भी डिजाइन का कैटलॉग होगा सारा चीज मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कोई भी साड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो वहां से जाके चेकआउट कर लेना एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलूंगी फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तब के लिए बाय बाय।